वेलकम बैक एडिटर्स, आ चुका हूँ एक और नया शानदार स्टेटस एडिटिंग ट्यूटोरियल लेकर। दोस्तों आज खड़े में हम कभी तो पास मेरे आओ गाने के लो पे अस्थेंटिक बीट सिंग पर सेकिपेक लगा कर टेक्स्ट रे एनिमेशन प्लस बीट सिंग स्टेटस वीडियो क्रिएट करने वाले हैं। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही कमाल का और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसे आप अंत तक जरूर देखें और ऐसे बेहतरीन स्टेटस एडिटिंग ट्यूटोरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को इनेबल कर दीजिए। कभी तो पास मेरे आओ, कभी तो नजर मुझसे मिलाओ, कभी तो दिल से दिल को मिलाओ, ओ जाना मेरी जान, मर के यूं न जुगाना मेरी जान, जाना। तो दोस्तों अगर आपको प्रीव्यू वीडियो पसंद आया होगा तो उसके लिए एक लाइक कर दीजिए। अगर आपको प्रीव्यू वाला स्टेटस डाउनलोड करना है तो इसको मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ये स्टेटस बनने के लिए जो सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट लगेगा, सेकिपेक प्रीसेट लिंक लगेगी या जो भी मटेरियल्स लगने वाले हैं वो सभी आपको हमारे ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएंगे। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जो वेबसाइट की लिंक दी है उस लिंक पे क्लिक करने पर आपके सामने एक पोस्ट ओपन हो जाएगी। उस पोस्ट में आपको सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट से कीपेक प्रीसेट और ऑल मटेरियल्स मिल जाएंगे। आप सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट और से कीपेक प्रीसेट को अलर्ट मोशन एप्लीकेशन में इंपोर्ट करके रखें और ऑल मटेरियल्स को डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों सबसे पहले आपको इंपोर्ट की हुए सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट को ओपन करना होगा। इसमें हमारा जैसे कि मैंने आपको प्रीव्यू में कहा था कभी तो पास मेरे आओ ये वाला लोफी गाना है और जहाँ पर भी बीट चेंज होते हैं वहाँ पर हमने ऑलरेडी बीट मार्क ऐड कर दिए हैं। शुरुआत के जो चार बीट्स है उन चार बीट्स में हम लिरिक्स ऐड करने वाले हैं 11.25 सेकंड तक, और 11.25 सेकंड से आगे जो हमारे 17 बीट्स है उन 17 बीट्स में हम लिरिक्स फोटोज ऐड करके उन पर इफेक्ट्स लगा देने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लिरिक्स ऐड करेंगे। लिरिक्स ऐड करने के लिए आपको स्टार्टिंग में आना है, प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है, टेक्स्ट में जाना है और आपको गाने को सुनना होगा। गाने को सुनने के बाद आपको लिरिक्स लिख लेने हैं। लिरिक्स लिखने के लिए आपको टेक्स्ट में जाना है, प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके और आपको लिरिक्स लिख लेने हैं। तो लिरिक्स से हमारा पहला कभी तो पास मेरे आओ, कभी तो पास ये वाला हमारा पहला लिरिक्स। दोस्तों ये वाला पहला हमारा लिरिक्स लिख लेने के बाद आपको ओके कर देना है। जो हमारा लिरिक्स वाला लेयर है उस पर क्लिक कर देना है, एडिट टेक्स्ट में जाना है और कलर में जाकर व्हाइट कलर को सिलेक्ट कर लीजिए। व्हाइट कलर को सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों इसको आपको एक लाइन में इस तरह से खींच लेना है। बाद में जो हमारा साइज होता है 18 PT जो ऑप्शन उस पर क्लिक करके इसके साइज को इंक्रीज कर देना है। फिर से एक बार आपको इसको लाइन में एक लाइन में सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद दोस्तों जो रोबोट रेगुलर हमारा रेगुलर फॉन्ट होता है उसमें जाकर व्यू ऑल फॉन्ट्स में जाना है और बैसी या द रैमलर इनमें से कोई भी एक फॉन्ट आप सिलेक्ट कर लीजिए, आपको जो भी पसंद आता है। तो दोस्तों उसके बाद फॉन्ट को ऐड कर लेने के बाद आपको ओके कर देना है। मूव एंड ट्रांसफर में जाकर 3 नंबर वाले रिसाइज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसकी साइज को इंक्रीज कर देना है। करीब करीब इसकी साइज रख दीजिए 1500 पिक्सल के आसपास और इसको मिडल में अच्छी तरह से सेट कर देना है। मिडल में सेट कर देने के बाद इसको आपको पहले वाले बीट मार्क तक एक्सटेंड कर देना होगा। इस वाले बटन की मदद से आप एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्सटेंड करने के बाद दोस्तों इसमें हमें इफेक्ट ऐड करने हैं, तो इसके लिए मैंने जो आपको सेकिपेक प्रीसेट प्रोवाइड की थी उसको ओपन कर लीजिए और जो हमारे पहली लिरिक्स क्लियर है या हमारे चैनल के नाम की उस पर क्लिक कर दीजिए। इफेक्ट्स में जाकर थ्रेड पे क्लिक करके कॉपी पेस्ट कर लीजिए। कॉपी पेस्ट करने के बाद सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लीजिए और जो हमारे लिरिक्स वाली लेयर है उस पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर दीजिए। पेस्ट इफेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी इफेक्ट्स इसमें ऐड हो चुके हैं। इफेक्ट्स ऐड होने के बाद हमारे लेयर को सिलेक्ट कर लीजिए और जो रेक्टेंगल शेप और प्लस वाला आइकॉन है उस वाले लेयर पे क्लिक कर दीजिए, ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए और इसको कॉपी लेयर कर दीजिए। कॉपी लेयर करने के बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट वाले बीट मार्क पर जाना है। नेक्स्ट वाले बीट मार्क पर जाकर इसको आपको पेस्ट लेयर कर देना है। पेस्ट लेयर करने के बाद और नेक्स्ट वाले लेयर पर जाना है, 2 नंबर वाले। वहाँ पर जाने के बाद जो हमारा टाइमर वाला ऑप्शन होता है घड़ी जैसा उस पर क्लिक कर दीजिए और इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर लीजिए। इसी की मदद से दोस्तों अगर आप बाहर से कट करते हैं तो जैसे हमारे इफेक्ट है वैसे नहीं लगेंगे, इफेक्ट्स में चेंज होंगे। तो दोस्तों आप इस वाले टाइमर वाले ऑप्शन पर ही जाकर इसको कट कर लीजिए। कट करने के बाद दोस्तों आपको एडिट टेक्स्ट में जाना है और सबसे पहला जो हमारा लिरिक्स है उसको इरेज कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए और अब आपको आगे के लिरिक्स को टाइप कर लेना है। आगे का लिरिक्स है हमारा कभी तो नजरें मुझसे मिलाओ। दोस्तों ए वाला लिरिक्स आपको ए वाला लिरिक्स ऐड कर देने के बाद
इसकी साइज़ को आपको कम कर लेना होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा वर्ड्स है, कुछ इस तरह से आप दे सकते हैं। उसके बाद इसकी साइज़ को थोड़ा सा कम कर दीजिए नॉर्मल सा, और इसको मिडल में अच्छी तरह से सेट कर दीजिए। मिडल में सेट करने के बाद दोस्तों आपको अगले वाले बिट मार्क पर जाना है, हमारे दूसरे के आगे थोड़ा सा, और इसको जो हमने पहले लेयर कॉपी की थी उसको पेस्ट लेयर कर दीजिए। पेस्ट लेयर करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी ड्यूरेशन तीसरे वाले बिट मार्क तक नहीं है, तो आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है और टाइमर वाले ऑप्शन पर जाकर इसको आपको 4 नंबर वाले ऑप्शन की मदद से एक्सटेंड कर देना है, इसकी ड्यूरेशन को बढ़ा देना है। इसके बाद आपको एडिट टेक्स्ट में जाकर तीसरे लेयर को लिख लेना होगा। दोस्तों हमारा तीसरे तीसरा लेयर है कभी तो दिल से दिल को लगाओ। दोस्तों आपको ये वाला तीसरा लेयर टाइप कर देने के बाद एक और लिरिक्स हमें ऐड करना है, तो मैं उस लेयर को भी ऐड करके आपको दिखाता हूँ। इस तरह से ऐड कर देने के बाद दोस्तों आपको सॉरी मूव एंड ट्रांसफर में जाना है, थोड़ा सा आगे जाइए और इसकी साइज़ को आपको कम कर लेना होगा। कम करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिडल में सेट कर दीजिए। मिडल में सेट कर देने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे 3 लिरिक्स ऐड हो चुके हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली से चौथे लेयर सॉरी चौथे बिट मार्क पर जाकर इसको पेस्ट लेयर कर दीजिए जो हमने पहले सिलेक्ट की थी। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको टाइमर वाले बटन की मदद से कट कर देना है। कट करने के बाद एडिट टेक्स्ट में जाकर इसको इरेज कर दीजिए सबसे पहले, और हमारा सिर्फ 2 ही वर्ड है उसमें वो जाना, इसको ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर इसकी साइज को इंक्रीज कर लीजिए और इसको मिडल में अच्छी तरह से सेट कर दीजिए। मिडल में सेट करने के बाद दोस्तों हमारे चारों के चारों लेयर यहाँ पर ऐड हो चुके हैं। अब इसमें हमें कलर जो हमारे रेज है उसमें कलर इफेक्ट दे देना है। इसके लिए आपको स्टार्टिंग में आना है, प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, रेक्टेंगल शेप को ऐड करके इसके थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल स्क्रीन कर दीजिए। कलर एंड फिल में जाकर जो भी कलर आपको चाहिए उसको सिलेक्ट कर लीजिए। कलर सिलेक्ट करने के बाद जहाँ पर हमारे लिरिक्स एंड होते हैं 10.16 सेकंड तक, वहाँ तक इसको एक्सटेंड कर दीजिए। एक्सटेंड करने के बाद दोस्तों आपको इफेक्ट्स में जाना है, जो हमारा रेक्टेंगल शेप है उसको सिलेक्ट करके इफेक्ट्स में जाइए। ऐड इफेक्ट में जाकर कलर एंड लाइट में ह्यूशिफ्ट वाले इफेक्ट को स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड कर दीजिए। स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऐड करने के बाद स्टार्टिंग में एक एनिमेशन लगा दीजिए। उसके बाद जहाँ पर हमारा ये रेक्टेंगल शेप एंड होगा वहाँ पर एक एनिमेशन लगाकर इसकी साइज को आपको इंक्रीज कर देना है। करीब करीब इसकी साइज आप 2x+ रख दीजिए, आपको जितना रखना है उतना आप रख सकते हैं। जितना ज़्यादा आप रखेंगे उतना ज़्यादा कलर फास्ट चेंज होने लगेंगे। ये करने के बाद दोस्तों आपको ब्लेंडिंग एंड ऑपेसिटी में जाकर ब्लेंडिंग एंड ऑपेसिटी में जाकर कॉन्ट्रास्ट में ओवरले इफेक्ट को सिलेक्ट कर देना है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें कलर रेज में कलर इफेक्ट लग चुका है, कलर इफेक्ट यहाँ पर लग चुका है। अब हमें क्या करना है, फोटोज ऐड करने हैं। फोटोज ऐड करने के लिए दोस्तों आपको सिंपली से फोटोज ऐड करने के लिए दोस्तों आपको सिंपली से यहाँ पर 11.25 सेकंड वाले बिट मार्क पर आना है, प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, इमेज एडियो में जाना है, और जिन भी इमेज पर आपको इलस्ट्रेटर स्टूडियो क्रिएट करना होगा उन इमेजेस को 1 बाय 1 ऐड कर दीजिए। दोस्तों आज के वीडियो में हम कीर्ति सुरेश के इमेजेस यूज करने वाले हैं। अगर आपको इमेजेस चाहिए HD क्वालिटी में तो इनको मैं ऑल मटेरियल्स में दे दूंगा जिप फाइल के द्वारा। सिर्फ आपको जिप फाइल को डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर लेना है, सभी इमेजेस आपके एक क्लिक में अपने मोबाइल में सेव हो जाएंगे। दोस्तों सिंपली से आपको इमेज को सिलेक्ट कर लेना है, प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके इमेज को ऐड कर लीजिए, पे क्लिक करके इसे फिल स्क्रीन पर इनेबल कर दीजिए। नेक्स्ट वाले बिट मार्क पर जाकर इमेज का एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर दीजिए। दोस्तों हमें 17 इमेजेस ऐड करने होंगे, मैं 17 के 17 इमेजेस ऐड करके आपको आगे का प्रोसेस समझा देता हूँ, तब तक के वीडियो स्किप कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने सॉन्ग के एंड तक सभी इमेजेस को 1 बाय 1 ऐड कर दिया है। सभी इमेजेस को ऐड करने के बाद अब हमें इन इमेजेस में इफेक्ट्स लगा देने हैं। इसके लिए मैंने जो आपको प्रीसेट प्रोवाइड किए उसको ओपन कर लीजिए। सेकंड पेज प्रीसेट में आपको 2 हीरोइन की इमेजेस मिल जाएंगी, उनमें से जो सबसे पहली इमेज है उस पर क्लिक कर दीजिए। इफेक्ट्स में जाकर थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट्स कर लीजिए। इफेक्ट्स को कॉपी इफेक्ट्स करने के बाद सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट को ओपन कर लीजिए, और हमारे जो 4 लिरिक्स है 4 लिरिक्स के बाद जहाँ से हमारे फोटो स्टार्ट होते हैं उसमें से जो पहली इमेज है उस पर क्लिक करके इफेक्ट्स में जाकर थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर दीजिए। उसके बाद एक इमेज को छोड़कर अगले वाले इमेज पर आपके वाला इफेक्ट पेस्ट कर देना है। इस तरह से दोस्तों आपको एक एक इमेज छोड़कर अल्टरनेटिवली 1 बाय 1 इस इफेक्ट को पहले इफेक्ट को हर इमेजेस पर ऐड कर लेना है। पहले पे लगा देने के बाद दूसरे को छोड़ के तीसरे पे लगा देना है। इस तरह से दोस्तों अल्टरनेटिवली आपको ये वाला पहला इफेक्ट है उसको लगा देना है एंड तक। दोस्तों हमारे कुल इमेजेस है 17, तो दोस्तों आपको ये वाला इफेक्ट 9 इमेजेस पर लगा देना होगा। दोस्तों 9 इमेजेस पर ये वाला पहला इफेक्ट अल्टरनेटिवली लगा देने के बाद आपको क्या करना है, इसे कि प्रीसेट को फिर से एक बार ओपन कर लेना है और दूसरे इमेज के इफेक्ट्स को कॉपी करके जो बची हुई हमारे 8 इमेजेस होगी मिडल वाली, दूसरी चौथी छठी दसवीं इस तरह से 8वीं 10वीं, तो दोस्तों उन बचे हुए 8 इमेजेस पर आपको ये वाला
दूसरा इफेक्ट पेस्ट कर देना है। दूसरा इफेक्ट पेस्ट कर देने के बाद दोस्तों हमारे सभी इमेज में सभी इफेक्ट पेस्ट हो जाएंगे, हमारे लिरिक्स भी ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं। सिर्फ आपको अपना यूट्यूब इंस्टाग्राम टेलीग्राम जो लोग ऐड करना है उसको ऐड करके एंड तक एक्सटेंड कर दिए दोस्तों, हमारा पूरा स्टेटस बनकर रेडी हो जाएगा। दोस्तों आपको वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है, वीडियो को एक्सपोर्ट करके आप अपने डिवाइस में वीडियो को सेव कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को आप 1080 पिक्सल में एक्सपोर्ट कर लीजिए, अगर आपके मोबाइल में सपोर्ट नहीं करेगा 1080 पिक्सल रेजोल्यूशन दोस्तों आप 720 पिक्सल में भी वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं, अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर इनेबल कर दीजिए। दोस्तों मिलता हूँ एक और ऐसे बेहतरीन स्टेटस एडिटिंग ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए एडिटिंग करते रहो, अपने भाई को मत भूल जाना। जय हिंद।